हेला थाना के अंतर्गत ग्राम सहे के नाले में हाथ धोने गए एक 8 वर्षीय बालक नाले के तेज बहाव में बह गया। बालक विशाल पिता महेश मेघनाथ सहे के निवासी है। 9 जुलाई को यह घटना उस समय हुई जब यह बालक अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते नाले तक चला गया था और हाथ धोने के लिए नाले में उतरा ही था, तभी फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही बहेला पुलिस मौके पर पहुंची। बालाघाट से मौके पर पहुंची SDRF टीम के द्वारा बालक को खोजने नाले में रेस्क्यू किया जा रहा है। 9 जुलाई को यह घटना उस समय हुई थी जब यह बालक अपने दोस्तों के साथ खेलते खेलते नाले तक चला गया था और हाथ धोने के लिए नाले में उतरा था, तभी फिसलने से वह नाले के तेज बहाव में बह गया। जिसकी सूचना मिलते ही बहेला पुलिस मौके पर पहुंची और बालाघाट से मौके पर पहुंची SDRF की टीम द्वारा बालक को खोजने नाले में रेस्क्यू किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 जुलाई को ग्राम सहे की निवासी विशाल मेघनाथ अपने 3-4 दोस्तों के साथ नाले की तरफ खेलने गया हुआ था। खेलते समय विशाल मेघनाथ का हाथ गंदा हो जाने से वह नाले में हाथ धोने गया था। नाले में हाथ धोने के दौरान पैर फिसलने से विशाल मेघनाथ नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की जानकारी उसके साथियों ने घर पर जाकर दी। सूचना मिलते ही बहेला थाना प्रभारी JP त्रिपाठी अपने बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की। दूसरे दिन 10 जुलाई को सूचना मिलने पर बालाघाट से SDRF ने ग्राम सहे की पहुंचकर नाले में रेस्क्यू अभियान चलाया, किंतु शाम 6 बजे तक बालक की लाश नाले में नहीं मिल पाई थी। बहेला थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी ने पद्मेश 24/7 से दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि बालक सहे की नाले में हाथ धोते समय तेज बहाव में बह गया। बालाघाट से SDRF की टीम बुलाकर रेस्क्यू किया जा रहा है, किंतु अभी तक बालक की लाश नहीं मिल पाई है। SDRF की टीम के द्वारा बालक की नाले में लगातार तलाश की जा रही है।